हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक जायंट टॉफ़ी, जो होगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल। उसके आप हैरत जिंदा हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा जो है इस तरह की होगी, इससे भी ज़्यादा बड़ी जायंट बनाने जा रहे हैं हम लोग अभी आज के एपिसोड में। तो आप चाहें तो जो सा भी कलर ले लें, लेकिन होना लाइट चाहिए, क्योंकि फिर लाइट के अंदर हमें मैंने येलो कलर लिया, उसके साथ मैंने येलो कंप्यूटर पेपर लिया, उसके साथ मैं येलो कलर यूज़ करूँगी, वन पेंसिल, ग्लू, लिक्विड ग्लू, और आप चाहें तो कोई से भी, लेकिन लिक्विड ग्लू ज़्यादा अच्छी रहेगी चिपकने के लिए। और आपको चाहिए वन सीज़र। ये चार चीज़ें हैं जिससे बनेगी जॉइंट टॉफ़ी, और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रूलर चाहिए होगा, स्केल, यानी जो हमें लाइन खींचने में मदद करेगा। खैर, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप कोई और से भी चीज़ों से स्केल से कर सकते हैं। तो मेरे पास कलर बॉक्स है, सो कलर बॉक्स की इस साइड से, ये वो साइड से मैं लाइन खींच सकती हूँ। किस तरह, आइए दिखाती हूँ। तो आपने लाइन खींच ली होगी, फिर आपको इस साइड पे, बल्कि नहीं इस साइड पे, हाँ इस साइड पे आपको ये लाइन खींचनी होगी, इस साइड पे, और वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। हम आपको बस दिखा रहे थे कि इस तरह खींचनी है, क्योंकि अगर आप उस साइड पे खींचेंगे तो आपकी पूरी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। फिर अब बारी है इस लाइन की, अब हमें क्या करना होगा, यू किया, और ये हो गया। अब हमें लाइन पे कलर भरना होगा, कलर करना होगा। तो इसलिए आपको लाइट कलर कंप्यूटर पेपर चाहिए होगा, ताकि आप ये बनाने में आपकी मदद करें। तो ये आपने इस लाइन का कलर कर लिया होगा, तो आपकी इस लाइन की बारी, दूसरी लाइन की, इस पर आपने इसी तरह से कलर भरना है। और याद रखिए, आप यहाँ पे कलनी बनाना है, कलनी करना, क्योंकि फिर आपकी सारी मेहनत जा जाएगी, क्योंकि इसका तरीका बनाने के लिए इसी तरह की चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो डार्क येलो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट येलो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दो तरह के येलो है, एक डार्क है एक लाइट है। तो ये वाले लाइट है और डार्क है, तो मैं ये डार्क यूज़ कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट डाउन में बताइएगा भी कि कैसे लगा कैसे नहीं। तो हमने ये दोनों तरफ से कलर कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे पेज पे जो है ना, एक ड्राइंग बनानी है। आपको जो दिल चाहे बना लें, लेकिन ज़्यादातर अच्छी रहेगी ये इस तरह की ड्राइंग जो मैंने अपनी पिछली बारी इसमें बनाया है। एक सेकेंड, इस तरह की आप ड्राइंग बना सकते हैं। ये आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं बर्थडे के लिए। इसके आप कैसे गिफ्ट भी रख सकते हैं, छोटा सा भी बना सकते हैं, मिनी भी बना सकते हैं। मेरे पास हर तरह के बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा छोटा भी इस तरह की। अभी ये देखिए, मेरे पास बहुत सारा छोटा सा मिनी भी बना हुआ है, और सबसे बड़ा ड्राइंग भी बना हुआ है। तब मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे बनाना है
अब आपको ज़रूरत पड़ेगी पेंसिल की। तो आपको ज़रूरत पड़ेगा पेन, अगर आपको बनानी आता है तो पेंसिल यूज़ करेगा, आता है तो आपको पेंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा सा लेमन बनाया, अब चाहे तो मार्कर की भी मदद ले सकते हैं। अभी मैंने ऑरेंज बना लिए और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बड़ा सा स्वीट लिख दिया। अगर आप चाहें तो कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं स्वीट के अलावा भी, लेकिन अब मैं स्वीट लिख रही हूँ। स्वीट डबल ई तो मैंने यहाँ पे स्वीट भी लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मैंने लाइन बना दी और इसके अंदर मैंने डॉट वगैरह आप जो भी चाहे बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस। अब आपको क्या करना है, ये जो जगह आई है यहाँ पे आपको ग्लू लगानी है, ये वाली लिक्विड ग्लू चाहे और वो स्टिक वाली ग्लू आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि उससे ऐसे चिपकेगा भी नहीं, लिक्विड हो तो ज़्यादातर सही है। तो मैंने यहाँ से ग्लू ले ली अपनी फिंगर पे, या तो आप स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फिंगर टिप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पता भी चलेगा कि इतना आपके हिसाब से आपको जैसे भी सही लगे, कि फिंगर टिप में अच्छा आसानी भी होती है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगा लिए, तो मैंने क्या किया इसको इधर से चिपका लिया और ये बहुत इजी है बनाने के लिए।
और अब आपने कर लिए होंगे ग्लू से, तो आप यूँ करके इसको यूँ कर लें। अब हमने थोड़ी देर इसको ड्राई कर लिया, तो कुछ देर के बाद ये ड्राई से हो गया सीधा, ठीक है। अच्छे से ड्राई हो चुका है ये। अब मैंने क्या किया, यहाँ से जो है ना, ये यहाँ से खुला हुआ आ रहा है, ये जो जगह है हमें ग्लू लगा दी सिर्फ एक जगह पे। अब हमें सिर्फ काम है ग्लू का। जितनी ज़्यादा ग्लू रहे उतना सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए कि अलग से पता चले कि ग्लू लगी है। आज चाहे तो इस टेप भी यूज़ कर सकते हैं कटने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ग्लू ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि टेप में बिलो हाथ पे चिपक जाता है, उसकी चिपक भी कभी कभार ख़त्म हो जाती है, इसलिए। जी बन गया। अब आपको यहाँ से कोई भी सी भी चीज़ जानी है आप डाल लीजिएगा, और फिर मैंने क्योंकि अपना हाथ डाले ताकि इसको फुलावा बना दे, हवा अंदर जानी चाहिए। टन है ये तैयार, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, या पेंसिल वगैरह रेजर जो भी चीज़ चाहें आप रख सकते हैं। तो फिर मैंने इसको इस तरह पैक कर दिया, और आप किसी को बर्थडे गिफ्ट भी इसी तरह अपने दोस्त या वगैरह को दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो का इंतज़ार किएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।